हेलो फ्रेंड्स, साइमल्टेनियस डेरिवेशन से हमारी ये वर्ड प्रॉब्लम है। इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग टू पाइप्स। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड, हाउ लॉन्ग वुड ईच पाइप टेक टू फिल द स्विमिंग पूल। नाउ फ्रेंड, प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, और इस प्रॉब्लम में टू पाइप्स किसी स्विमिंग पूल को फिल करते हैं, तो ये दोनों पाइप उस स्विमिंग पूल को सेपरेटली कितने टाइम में फिल कर लेंगे, और दोनों पाइप में जो डिफरेंस है, एक पाइप का डायमीटर दूसरे पाइप से लार्जर है। तो फ्रेंड, इसके लिए जो टू कंडीशंस गिवन है जिससे आपकी इक्वेशंस बनेगी, फर्स्ट इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल द स्विमिंग पूल, एंड सेकेंड वन लार्जर डायमीटर पाइप इज यूज फॉर 4 आवर्स एंड स्मॉलर डायमीटर पाइप इज यूज फॉर 9 आवर्स, देन पूल फिल हाफ ओनली। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। नाउ यहां पर जो टाइम टेकन बाय ईच पाइप एज्यूम किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर ले लेंगे, तो लेट बी लार्जर डायमीटर टेक्स टू फिल स्विमिंग पूल इज इक्वल टू एक्स आर्स। नाउ स्मॉलर डायमीटर टेक्स टू फिल द स्विमिंग पूल इज इक्वल टू वाई आर्स। नाउ फ्रेंड केस वन। अब केस वन को समझने के लिए हम जरा यहां पर लिख लेते हैं। सपोज करिए एक टैप ए है और एक टैप बी है। अगर टैप ए किसी को मतलब किसी वाटर टैंक को 4 आर में फिल करती है, ये टैंक वन हो, तो 1 आर में इसने क्या काम किया, 1 आर में इसने 1/4 पार्ट उस टैंक का फुल कर दिया। सिंपल सी बात है कि जितने आर हैं ईच आर में उसके इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, तो 1 आर में यानी ये जो आपका पूरा वाटर टैंक है डिवाइडेड बाय 4, 1 आर में ईच आर के लिए सिंपली होल डिवाइडेड बाय जितने भी आर्स हैं उसे कर दिया, तो ये आपका पार्ट आ गया, यानी कि 1/4 पार्ट फिल कर देगा। तो और अगर बी 6 लेता है तो 1 आर में ये 1/6 पार्ट कर देगा, तो ये दोनों कितने टाइम में फिल करेंगे। सिंपल सी बात है, 1/6 प्लस 1/4 ये दोनों एक घंटे में उस वाटर टैंक का फिल कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। नाउ इसी तरीके से अब हमारा ये भी हो जाएगा, तो जो एक्स पाइप है वो 1 आर में कितना फिल करेगा, 1/x, और वाई पाइप कितना फिल करेगा उस स्विमिंग पूल का, 1/y पार्ट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जस्ट लाइक जैसे हमने बताया कि ये पूरा 1 है और 4 आर में चल रहा है, तो कितने पार्ट किए इसने इस स्विमिंग पूल के, 4 पार्ट, और 1 आर में 1/4 पार्ट। तो अगर एक्स है तो पूरे उस पूल के एक्स पार्ट करेगा और 1 आर में 1/x पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही वाई पूरे पूल के वाई पार्ट करेगा और 1 आर में 1/y पार्ट हो जाएगा। अब दोनों एक साथ मिलकर, तो दोनों जितना जितना पार्ट भरेंगे अपने अपने अकॉर्डिंग वो दोनों एड हो जाएगा, तो यहां पर दोनों मिलकर 12 आवर्स टोटल ले रहे थे, तो 1 आर में कितना हो जाएगा, सिंपली 1/12, क्योंकि 12 आर में हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा फिल हो रहा है, तो 1 आर में कितना होगा, 1/12, तो यहां पर ये दोनों मिलके 1/12। नाउ इसको हमने इक्वेशन 1 कहा। केस टू में जो लार्जर डायमीटर पाइप है वो 4 आर के लिए यूज हुआ है, तो एक चीज है कि अगर यहां पर हमने जैसे देखा कि पाइप ए 4 आर के लिए 1 वाटर टैंक फिल कर रहा है, 1 आर के लिए 1/4 कर देगा। अगर हम इसको 3 आर के लिए चलाएं तो सिंपल सी बात है, 3 इंटू दिस और इंटू ये 3, तो सिंपल 3/4 पार्ट, क्लियर है। तो यहां पर भी यही हो जाएगा, 4 आर के लिए है तो सिंपली 4/x, या हम कह सकते हैं 4 × 1/x जो कि आपका 4/x हो जाएगा। सिमिलरली 9/y, 9 × 1/y, क्योंकि ये 9 आर के लिए यूज किया गया है।
इक्वल टू, अब ये दोनों मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं, 1/2 फिल होता है पूल, तो ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। नाउ फ्रेंड, अब अगर आप यहां पर देखें तो 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है। अब अगर आप चाहें 1/x और 1/y को अनदर वेरिएबल एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए अब हम 1/x के कोफिशियंट को इक्वल करेंगे, तो फॉर दिस फ्रॉम इक्वेशन 1/4 माइनस इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4/1x, तो सिंपल 4x प्लस 4/1y यानी कि 4/y इक्वल टू 4/12, और इसको हमने इक्वेशन 3 कहा। नाउ 4/x प्लस 9/y इक्वल टू 1/2, ये आपकी इक्वेशन 2 ही है। नाउ अब आपका सिंपली साइन चेंज हो जाएगा, तो अब आप ये देखिए ये टर्म सेम है, तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। नाउ अब अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 4/y माइनस 9/y इक्वल टू, नाउ 4/12 माइनस 1/2, तो इसको यहां पर लेते हैं। फ्रेंड ये जो फ्रैक्शन है 4/y माइनस 9/y, तो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 5/y इक्वल टू। नाउ 4/12 और 1/2, अगर आप यहां पर 12 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 12, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेना होगा। नाउ 4 माइनस, अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और ये हो जाएगा आपका 6, तो माइनस 5/y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2/12। नाउ 2 1s are or 2 6s, नाउ फ्रेंड माइनस 5/y इज इक्वल टू माइनस 1/6, इससे ये कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 6 और y × 1, तो y इक्वल टू, क्योंकि y × 1 y और 5 × 6 5 6 30 hours, y की वैल्यू आ गई आपकी 30 hours। नाउ पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो 1/x प्लस 1/y के लिए आपका आ जाएगा 30 इक्वल टू 1/12। नाउ फ्रेंड अब 1/x इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30, तो 1/x इज इक्वल टू 12 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो 60 और 12 5s और ये 2s। नाउ 1/x इज इक्वल टू 3/60 और ये हो जाएगा 3 1s और 3 2s, तो 1/x इज इक्वल टू 1/20 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 hours। ओके फ्रेंड, नाउ x इज टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर, तो आप ये कह सकते हैं लार्जर डायामीटर टेक्स 20 hours और स्मॉलर डायामीटर पाइप, चाहे तो पाइप भी लिख दीजिए, पाइप टेक्स 30 hours। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। सिंपली हमारा क्या था कि जो 2 पाइप्स हैं स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हैं जिसमें कि एक का डायमीटर दूसरे से ग्रेटर है, तो इसी के रेस्पेक्ट में हमने टाइम एज्यूम कर लिया। लार्जर डायमीटर वाले पाइप के लिए एक्स आर्स एज्यूम किया, स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप के लिए वाई आर्स एज्यूम किया। नाउ 1/1 आर में कितना वर्क करते हैं वो हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, इसको निकाल लिया, तो 1 आर में एक्स कर रहा है 1/x
और y कर रहा है 1/y, और दोनों मिलकर कितना फिल कर लेंगे 1/12, क्योंकि दोनों पूरा जो कंप्लीट करते हैं वो 12 आर में कंप्लीट कर लेते हैं, तो 1 आर में दोनों का 1/12 हो जाएगा। इससे आपकी इक्वेशन 1 हो गई। नाउ इक्वेशन 2 में जो लार्जर डायमीटर पाइप है वो 4 आर के लिए यूज किया गया है और जो स्मॉलर डायमीटर पाइप है वो 9 आर के लिए यूज किया गया है। तो दोनों का जो वर्क मिला के है वो पूरे स्विमिंग पूल को हाफ फिल करता है, तो 1/2। नाउ ये इक्वेशन 2 हो गई। इसके बाद हमने सिंपली 1/x और 1/y के कोफिशियंट को कंपेयर किया और इससे हमने 1/x के कोफिशियंट को इक्वल कर लिया। तो इसके लिए इक्वेशन 1 में 4 की मल्टीप्लाई कर लिया, 4 की मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 4/x प्लस 4/y इक्वल टू 4/12। नाउ फ्रेंड अगर आप चाहें तो 4 1 और 4 3 यहां से कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा आंसर। नाउ अब ये आपका सेम कोफिशियंट था तो हमने इनके साइन चेंज कर दिए क्योंकि इनके जो साइन थे वो भी सेम थे, तो सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज कर दिया, अब ये आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ 4/y माइनस 9/y, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन है डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम आती है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, 4/12 माइनस 1/2। अगर आप इसको रिड्यूस कर लेते तो ये हो जाता 1/3 माइनस 1/2। नाउ हमने नहीं किया है तो हम ऐसे लेके चल रहे हैं माइनस 5/y, क्योंकि 4 - 9 माइनस 5 इक्वल टू, नाउ एलसीएम दिया 12 और 2 का तो 12 एलसीएम आ जाएगा। नाउ 12 डिवाइडेड बाई 12 गॉट 1, 1 की मल्टीप्लाई 4 से किया तो 4। नाउ 12 डिवाइडेड बाई 2 और आपको 6 मिला, 6 की मल्टीप्लाई 1 से किया तो 6, तो 4 - 6 यू गॉट -2। नाउ 2 1 और 2 6, नाउ -5/y इक्वल टू -1/6, माइनस से माइनस कैंसिल, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू 30 आर्स, ये आ गया। नाउ पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, तो 1/x प्लस 1/y के लिए 30 इक्वल टू 1/12। नाउ 1/x इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30। नाउ 12 और 30 का मैं एलसीएम ले लिया जो कि आपका 60 आया। नाउ 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5। नाउ 60 डिवाइडेड बाई 30 यू गॉट 2 एंड 2 मल्टीप्लाई इंटू 1 तो आपका आ जाएगा 2, तो 5 - 2 आपको मिला 3। नाउ 3 को और 60 को हमने रिड्यूस कर लिया तो 3 1 और ये 20 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। नाउ 1/x इक्वल टू 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई से x इज इक्वल टू 20 आर्स आ गया। तो लार्जर डायमीटर पाइप टेक्स 20 आर्स एंड स्मॉलर डायमीटर पाइप टेक्स 30 आर्स। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। थैंक यू।